हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल गेट टू नो हाउ वी कैन मैनिपुलेट लिस्ट। हम लिस्ट के आइटम्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट आई हैव टेकन वन डायमेंशनल लिस्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वन डायमेंशनल लिस्ट को लिया है। ओके, सब्जेक्ट्स इज द नेम ऑफ द लिस्ट। एक लिस्ट ली है हमने सब्जेक्ट्स, जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स, राइट? ओके, जब आप इसको प्रिंट कराओगे, इसको आपने सिंपली प्रिंट करा दिया तो आपका आ गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स, राइट? और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? वी कीप लिस्ट एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स को रखते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट होते हैं। फाइन, अब देखो यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट जो आपका फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? उसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, राइट? सेकेंड एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू है 1, थर्ड की इंडेक्स वैल्यू है 2 एंड फोर्थ की इंडेक्स वैल्यू है 3। फाइन, तो हमारा इंडेक्स 0 पर एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट है हिंदी। ओके, हमने क्या किया, लिस्ट नेम लिया सब्जेक्ट्स, ओके, एंड देन इंडेक्स लिया, इंडेक्स 0, और यहाँ पे हमने इन प्लेस ऑफ हिंदी क्या इसको इनिशियलाइज कर दिया, संस्कृत, राइट? हमने कौन सी वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर दिया, संस्कृत। नाउ व्हेन यू विल प्रिंट दिस लिस्ट, अब आप जब इसको प्रिंट करोगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, हिंदी के प्लेस पर क्या आ गया है, संस्कृत। ओके, इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स, फाइन। ओके, ऐसे अगर आपने सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स लिस्ट का नाम है 2, इंडेक्स 2 पे क्या है हमारा, मैथ्स। ओके, मैथ्स की जगह हमने क्या इसको इनिशियलाइज कर दिया, इक्वल टू क्या दे दिया, बायोलॉजी, राइट? तो अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आप यहाँ पे देखोगे संस्कृत, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, फाइन। चेंज हो गया एलिमेंट्स। ऐसे ही है जैसे आपने क्या किया, पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यूज का यूज किया, आप नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे -1 फिजिक्स की इंडेक्स वैल्यू होगी, -2 मैथ्स की इंडेक्स वैल्यू होगी, -3 इंग्लिश की आपकी इंडेक्स वैल्यू होगी, राइट? एंड -4 आपकी हिंदी की इंडेक्स वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट 0 की जगह, इंडेक्स वैल्यू 0 की जगह -4 भी दे सकते थे, फाइन। तो यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल, बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यूज, बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यूज वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ओके, नाउ ओके, नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल लिस्ट। हमने यहाँ पे टू डायमेंशनल लिस्ट का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट कोर्स नेम की एक लिस्ट लिए, ओके, सब्जेक्ट कोड जिसमें आपने दिया है, ये क्या है, लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। ओके, हमने यहाँ पे छोटी छोटी लिस्ट ली है एक लिस्ट के अंदर। ओके, हिंदी 45, इंग्लिश 82, मैथ्स 65 एंड बायोलॉजी 46, राइट? ये हमारी टू डायमेंशनल लिस्ट है। अगर हम आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो इस वे में प्रेजेंट करेंगे, दिस लिस्ट इज हैविंग टू कॉलम्स, 0 इंडेक्स कॉलम एंड 1 कॉलम एंड 4 रोज, फाइन। 4 रोज हैविंग द इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। ओके ओके, नाउ सी, हमने सिंपल सी अपनी लिस्ट बनाई यहाँ पे, सब्जेक्ट कोर्स जो क्या है हमारी टू डायमेंशनल लिस्ट है, हैविंग टू कॉलम्स एंड 4 रोज। ओके, जब आप इसको प्रिंट कराओगे, देखो ये आपने इसको प्रिंट करा दिया एज इट इज, आपकी यहाँ पे आ गई हिंदी 45, इंग्लिश 82, मैथ्स 65, लाइक दिस। ओके, अब नाउ सी, अब हमने प्रिंट कराया सब्जेक्ट कोड 1 एंड 0। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपने लिया है इंडेक्स वैल्यू, वो किसकी ली है, रो की ली है, ठीक है? तो ये वाली 1 इंडेक्स वैल्यू रो। सेकंड जो आपने लिया है इंडेक्स वैल्यू, वो किसकी ली है, कॉलम की, ओके, दैट इज 0। तो 1 एंड 0 पे क्या है हमारा, इंग्लिश, फाइन। ओके, एंड हमने फिर प्रिंट किसको कराया, सब्जेक्ट कोड इज द लिस्ट नेम, सब्जेक्ट कोड कोर्स आपका लिस्ट का नेम है, ओके, 1 1, रो की वैल्यू 1 है एंड कॉलम की वैल्यू भी 1 है, दैट इज 82, फाइन। 1 एंड 1, 1 एंड 1, तो ये आपका क्या आ गया, 82, फाइन। तो जब आपकी टू डायमेंशनल लिस्ट होती है तो आपको क्या देना है, लिस्ट आपको रो इंडेक्स भी देना है और कॉलम इंडेक्स भी देना है, फाइन। तो जब आपने इसको प्रिंट कराया तो हमारी फर्स्ट जो आपने ये दिया था सब्जेक्ट कोड 1 0, उससे आपका क्या प्रिंट हुआ, उससे आपका प्रिंट हुआ इंग्लिश। सेकेंड जो आपने दिया 1 1, उससे क्या प्रिंट हुआ आपका, 82, फाइन। अब हमें चेंज करना है, इस टू डायमेंशनल लिस्ट में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 1
जीरो, 1 0 पे क्या है, 1 पे हमारा 1 एंड 0 पे हमारा क्या है, इंग्लिश है. फाइन, 1 इंडेक्स वैल्यू रो की है और 0 इंडेक्स वैल्यू कॉलम की है, इंग्लिश है. तो हमने इसके प्लेस पे क्या कर दिया, फिजिक्स. फाइन, ऐसे ही हमने सब्जेक्ट कोड 1 1 1 1 पे क्या है, 1 1 1 1 पे हमारा 82 था, हमने उसके प्लेस पे क्या दे दिया, 56. फाइन, अब अगर आप इसको प्रिंट कराते हो देखो तो क्या आपका क्या आता है, हिंदी 45, फाइन, फिजिक्स 56, पहले आपका क्या आ रहा था, इंग्लिश 82, अब आपका क्या आ रहा है, फिजिक्स 56, देन मैथ 65 एंड बायोलॉजी 46. फाइन, तो इन दिस वे यू हैव चेंज्ड द एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल लिस्ट. यहाँ पे आपने क्या किया, टू डायमेंशनल लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर दिया. ओके, अब हम इसको आइडल पे भी करके देख लेते हैं. ठीक है, पहले हम वन डायमेंशनल लिस्ट को चेंज करेंगे. हमने एक लिस्ट ली सब्जेक्ट्स, ठीक है, ओके. अब हम उसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, देन आपने लिया मैथ्स एंड देन फिजिक्स. फाइन, नाउ वी विल प्रिंट दिस, इसको प्रिंट करा देते हैं. सब्जेक्ट्स, आप देखो आपकी आ गई है लिस्ट, आ गई है सब्जेक्ट्स. राइट, नाउ सब्जेक्ट के 0 इंडेक्स पर पहले क्या था, हिंदी था. राइट, अब हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, क्या एलिमेंट दे रहे हैं, संस्कृत. फाइन, ओके, यहाँ पे लिस्ट नेम आप सब्जेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट हमने लिख दिया है सब्जेक्ट्स, देन 0 इज इक्वल टू संस्कृत. फाइन, सी, अब जब आप सब्जेक्ट्स को प्रिंट कराओगे, सी, अब आप देखो हिंदी के प्लेस पर, यहाँ पे हिंदी के प्लेस पर क्या आ गया, संस्कृत आपका प्रिंट हो गया. फाइन, ऐसे ही जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था, सब्जेक्ट इंडेक्स वैल्यू आपने ली 2. फाइन, इंडेक्स 2 पे आपका क्या है, मैथ्स, अब उसके प्लेस पे हम क्या दे रहे हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी दे रहे हैं. राइट, अब आप जब सब्जेक्ट्स को प्रिंट कराओगे, सी, मैथ्स के प्लेस पर क्या आ गया है, बायोलॉजी. टू डायमेंशनल लिस्ट लिए, सब्जेक्ट कोड्स हिंदी 45, इंग्लिश 82, मैथ 65, बायोलॉजी आपका 46 है. जब आपने इसको प्रिंट कराया तो आपकी वैल्यू आ गई है. राइट, ओके, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं सब्जेक्ट कोड्स 1, 1 क्या होगा, रो इंडेक्स, एंड 0, 0 क्या होगा आपका, कॉलम इंडेक्स. फाइन, एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड्स 1 एंड 1. फाइन, तो आपका क्या आ गया, इंग्लिश एंड 82. ओके, ये मैंने भी आपको बताया था. नाउ अब हमने क्या करना है, इंग्लिश एंड 82 के प्लेस पे क्या चाहिए हमें, फिजिक्स एंड 56 हमें चाहिए. ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट कोर्स 1 एंड 0 पे हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया फिजिक्स. ओके, एंड सब्जेक्ट कोर्स 1 एंड 1 पे हमने क्या दे दिया, इस पे दे दिया हमने 56. फाइन, अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे,
Now you can see. In place of English and 82, what we have 56 and physics and 56, right? So in this way, you can change elements of the list by using the index value. You can change the elements of one dimensional list or two dimensional list, right? Now we will meet in next video with our next topic.